जी चिड़चिड़ापन, वहम। लोग कहते हैं लुकमान हकीम के पास भी इलाज नहीं था। अब लोगों के इस बात की तो मुझे समझ नहीं आते, क्योंकि जब अल्लाह ने फरमाया कि हर बीमारी का इलाज है, कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है, तो फिर मेरे ख़्याल में ये बात कहना, मेरी नज़र में, अल्लाह मुझे गुनाहगार ना करे, मेरे ख़्याल में ये सही नहीं होगा। फिर बिलखुसूस आजकल के रिसर्च के मुताबिक साइंस का इतना आगे बढ़ना और साइंस का इतना ज़्यादा तहकीकात रिसर्च होता ये है कि वहम का मसला जो है हर इंसान के साथ होते हैं, लेकिन वहम जिस चीज़ के बारे में है उस चीज़ के बारे में क्लेरिटी बड़ी ज़रूरी है, तो वहम ख़त्म हो जाता। एक शख्स है, जब रात को सोते हैं उनको ये वहम होते हैं कि बच्चे दूसरे रूम में है, मैं इस रूम में हूँ, और खुदा ना करदा अगर जिलजिला आए हैं तो ये बिल्डिंग जो है ना वो गिर जाएंगे, बच्चे भी मैं भी ख़त्म हो जाएंगे, सारी रात नींद ही नहीं आती उनको। और ये तकरीबन 10 साल से चलता आ रहा है उनके साथ। इस पे आते हैं, बात करते हैं कि इसका हिस्ट्री बड़ा ज़रूरी है कि आप सुन लें, लेकिन एक कॉल है, होल्ड पे है, उसको सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं रजा साहब? आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से शाजिया जबीन बात कर रही हूँ। शाजिया अजीम, शाजिया जबीन, जबीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने 1-4 किया है ना, जी 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 मैंने बताया था कि मुझे 28 साल से प्रॉब्लम है और मेरे बाजू भी टेढ़े हैं हाँ। अच्छा जी। जी शाजिया, आप लाहौर से बात कर रही? जी जी बिल्कुल, लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी शाजिया, क्या बेहतरी है? जी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मैं बहुत बेहतर हूँ, पहले से अल्लाह का बेहतर शुक्र हूँ। है, अल्लाह और का मैंने करम अपनी है, जोड़ों के अलावा डिप्रेशन का भी किया है, वो भी अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, अल्लाह का और फजल है, दूसरे बहुत का भी अच्छे। किया है, फिर वो कमजोरी वीकनेस महसूस हो रही थी खुद भी किया और मैंने दूसरों पर भी ट्राई किया, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे है। बहुत खुशी हुई, अल्लाह आपको और खुशियाँ अता फरमाए जी और बल्कि ज़्यादा। जले हुए भी। जी बिल्कुल, आपने मैंने आपको देखा जहाँ पर खड़ी हुई थी, आपने अपना हाथ दिखाया कि आज ये सीधा जी। है, पहला यूँ था और आप आज सीधा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह ऐसे बीमारियों का इलाज जब करते हैं, और बहुत हैरानगी होती है, कुछ कभी मुझे भी खुद भी होता है, अगर कि मैं अभी आदी हो चुका हूँ इन चीज़ों के साथ, क्योंकि अल्लाह की बहुत सी नेमतें छुपी होती है, हम नहीं पहचानते हैं, तो ये वो जो सामने आता है समदा की तरह एक नेमत, तो बड़ी मुझे अल्लाह के उस पे और अल्लाह के पे और इंसान की जो है ना यकीन, अल्लाह की ताकतों पे, छुपी हुई ताकतों पे, हमारे सलाहितों पे, और अल्लाह के जो अल्लाह ने जो दिए उस सलाहितों पे, हमें और ज़्यादा ट्रस्ट और ज़्यादा यकीन बढ़ जाते हैं, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। बल्कि मैंने, मुझे यकीन था शुरू से, मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, मुझे पता था कि अल्लाह ताला मुझे जरूर कामयाबी देंगे, सही वो सही, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, और आपके लिए बेइंतहा दुआएं होती हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा लंबी उम्र दे, तंदरुस्तियों के साथ, कामयाबियों के साथ। बल्कि मैंने जले हुए का भी किया है, परसों मैंने वो बना रही थी नाश्ता, तो काफी घी तवे के ऊपर पड़ा हुआ था, और मैंने अंडा उसमें ना वैसे अंडा का बटर में डाल दी, मगर उसमें हाँ मैंने ना ऐसे किया है, यकीन जाने डॉक्टर मेरी कितनी उंगली ना वो घी में डिप हो गई है, और उससे माशाल्लाह, मुझे जलन मक्की महसूस हुई, फौरन मेरे जहन में आया है, तो मैंने ना ये टी वो जो है ना 3 नंबर वो सही, अरे जी ये संभव जी वो जो है सारा एनर्जाइज करा, जी वो मैंने जल्दी से किया है, और थोड़ा सा मैंने पानी वो एनर्जाइज किया और रखा, तो वो मैंने लगाया, और यकीन जाने ना वहाँ आंवला बजाए कुछ भी, और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मुझे जलन नहीं हो रही।
मैंने कहा था मैं ये जरूर आपसे बात शेयर करूंगी कि देखें अल्लाह ताला का कितना फजल है और आपकी कितनी मेहनत रंग ला रही है कि ये भी है कि चले हुए का चिड़चिड़ापन अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिजल्ट है अल्लाह ताला, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसी तरह अगर हमें दुआओं में याद रखने हैं तो एक दुआ ये है हमारे लिए, जो अगर किसी का इलाज होती है, आप इलाज करते हैं किसी का, तो वही आपको भी दुआएं देंगे, मुझे भी दुआएं, चाहे मुंह से ना दे दिल से तो ज़रूर देंगे, अल्लाह तो देखेंगे, ना दे बेशक वो दुआ ना भी दें तो अल्लाह तो देख रहे हैं ना, वो दुआ बन जाता है। तो दुआ जो है आप किसी की हीलिंग दर्द दुख में हम शामिल हो, किसी की हीलिंग करें, किसी के दर्द दुख दूर हो, तो क्या वहम शक और चिड़चिड़ापन इससे ठीक हो सकते? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, होता है और मैंने ये ट्राई भी की है, हालांकि मैंने वो एचएमएस मैंने नहीं किया अभी, अगर मैंने किया इसी से भी मैंने किया तो होता है, क्योंकि मेरी एक दोस्त है पार्लर वाली अरूज, तो उस जी अरूज बैठी थी 17 दिन वो चर्च पीना शुरू हो गई थी, तो मैंने उसका ये आपने लेक्चर सुना तो मैंने उसको बताया कि इंसान बताया, तो उससे वो जैसे उसको जिंदगी की उम्मीद एक नजर आ रही है, फिर मैंने उसको ये भी कहा कि आप मेरे साथ चलना, उनको मैंने एग्री किया और इंशाल्लाह ताला वो भी अब आप आएंगे लाहौर तो वो भी आएंगे और काफी हद तक वो बेहतर हुई है, मरीजियों से निकली है वो, तो एक साइड पे कमरे में बैठी रहती थी वो बस नहीं निकलती थी, और यही बातें मैंने जब उनसे की है और मैंने ये थोड़ा जो सीखा मैंने वो उनसे ट्राई की है, बड़ा इंसान है वो माशाल्लाह, मेरे साथ चल के बाहर भी 2-3 दफा बाजार की तरफ गई है मार्केट में, बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी। और यकीन जाने हम लफ्जों में नहीं शुक्रिया अदा कर सकते आपका, और अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करते हैं और हर हर लम्हा आपको दुआओं में याद रखते हैं, बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम भी हम देखते हैं बहुत बड़ा अच्छा है, आज मेरा रात का वो भी देखा है, सुबह भी देखते हैं और बल्कि रात पर भी फिर मैं देखती हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं खत्म करूँ उसको जी, बहुत अच्छा। स्टूडेंट्स और तमाम लोग इससे सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्रोग्राम से ये काफ़ी अरसा हुआ है, पिछले 6 साल से चल रहा है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस प्रोग्राम, हमने अभी तक नाम भी चेंज नहीं किया इसलिए कि ये पुराना चलता आ रहे हैं, तो इसलिए ये चलते रहे, तो इंशाल्लाह हम इसके टाइटल कुछ चेंज करेंगे लेकिन नाम वही रहेंगे इंशाल्लाह। आपकी बुक्स भी बहुत अच्छी हैं, मैंने उसको भी स्टडी किया है, 3 बुक मैंने आपकी खरीदी थी जी जी, तो माशाल्लाह आपने कमाल किया, अल्लाह ताला मैं कहती हूँ हम किस मुंह से शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, और उसके बाद आपने आसान लफ्जों में, किसी के पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी किताब है आपकी, बहुत सादा जबान में लिखी है ना जी जी जी, हाँ जी बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, सही है सही, इंशाल्लाह भी मैं फिर जरूर करूंगी, जाहिर अभी और भी हमने लोगों से बात करनी होगी इसलिए मैं आपको और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, वालेकुम सलाम जी। हम बात कर रहे थे कि वहम का, क्या वहम का ऐसा इलाज है? अच्छा, हम साइकोलॉजी के हवाले से आते हैं, जिल साइंसेस के हवाले से आते हैं कि जब हम स्टडी करते हैं इस चीज़ पे कि वहम वहाँ पर होती है जहाँ पर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, खौफ वहाँ पर होती है जहाँ पर कोई चीज़ क्लियर नहीं है आपके लिए, उससे वहम और खौफ होते हैं, डर भी होते हैं, तो ये जो चीज़ें आपको क्लियरिटी आ जाते हैं सारा कुछ ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोगों को वहम किसी चीज़ के बारे में होते जिसकी हकीकत कोई नहीं होती, तो वो वहम मुसलसल रहना उनके टेंशन डिप्रेशन बन जाता है। अब ये शख्स जो हम बता रहे थे आपको कि ये बच्चे दूसरे रूम में है, ये इस रूम में है, और वो कहता है कि यार मेरे बच्चे जिलजिलाएंगे, रात को नींद नहीं है, नींद ना होने की वजह से उनको टेंशन बढ़ जाती है और टेंशन से फिर दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं, और इसी तरह रात दिन को भी जब सो जाते हैं तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो उसको ये वहम होता है बच्चा कहीं उसके नीचे आ जाएगा गाड़ी के, बच्चा निकलेगा उसके जहन में, ओ देखे बच्चा निकला और बाजार स्कूल से निकला और फिर गाड़ी ने उसको मार दी है, कुछ ऐसे ही जहन में बना बना के अजीब गरीब ज़िंदगी को अजीरन कर दी उसने। अब ये क्लैरिटी अगर उनको ये हो
इस तमाम चीज़ों की क्लैरिटी हो कि वहाँ पर सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, तकरीबन कई हज़ार बच्चे और पढ़ रहे हैं वहीं पे, कई हज़ार बच्चे हैं उस स्कूल में जो पढ़ रहे हैं और सिर्फ मेरे बच्चे नहीं हैं, और वो उसके देखभाल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आता है, वही टेंशन फिर डिप्रेशन बन जाता है, आदमी फिर बेड पे आ जाते हैं, फिर जलजले के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है इंसान। तो ये मसाइल है, ये कैसे क्लियर होता है, मैं आपको ये किस्सा सुनाऊंगा कि ये क्लियर कैसे हुआ, कैसे ठीक हुआ, कैसे ज़बरदस्त सफाई तरीके से। एक कॉल होल्ड पे है, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सिराजुल इस्लाम कराची से बात कर रहा हूँ। सिराजुल इस्लाम, कैसे हैं आप? अच्छे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। जी वहम, शक और चिड़चिड़ापन का कोई इलाज है? वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के बाद भी नहीं था। अच्छा, मगर अगर हम यही सोचेंगे ना कि लुकमान हकीम के पास इलाज नहीं था, इसका इलाज नहीं है, फिर इलाज हो ही नहीं सकता। देखो फिर इलाज नहीं हो सकता है ना, इलाज कैसे होगा? हाँ, और अगर हमने ये सोच लिया कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मर्ज, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी तकलीफ दुनिया में नहीं भेजी कि जिसका इलाज ना हो, सही इलाज हो सकता है इसका, फिर मुमकिन है। हाँ, 100% मुमकिन है इलाज। ज़बरदस्त बात कही आपने सिराजुल इस्लाम, कितनी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि अगर अल्लाह ने फरमाया तो फिर लुकमान हकीम अल्लाह के लिए तो नहीं है ना कुछ। हाँ नहीं, हम उसको गलत लेते हैं ना। हाँ हाँ, कैसे लेते हैं? उन्होंने कहा कि उनके पास ये इलाज नहीं था, मतलब ये था कि हम ऐसी आदत या ऐसे अपनी आदत ऐसी ना रखें कि हम वहम का शिकार हो जाए। सही, जब हम अपनी आदत का ख्याल रखेंगे, हर चीज का ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों की आदतों का ख्याल रखेंगे कि ये बड़े होने के बाद ये अगर इनकी आदत ऐसी पुख्ता हो गई और ये बुरी आदत है, अगर ये बिल्कुल बुरी आदत है, ये वहम का शिकार हो सकता है। मायूस ना करे, जो कि मायूसी गुनाह है, मायूसी इसका इलाज ही नहीं है, इलाज ही नहीं है। तो मायूसी इसलिए गुनाह है कि ऐसा मसला, ऐसा ऐसा मायूसी इसलिए गुनाह है कि ऐसे मसले का हल नहीं है। अल्लाह को हर सब कुछ कर सकते हैं, और मायूसी नहीं करनी चाहिए, और ऐसा इलाज नहीं है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, अल्लाह कादर है, कादर मुतलक है, हर चीज़ पे वो कर सकता है, बेनियाज है, वो कर सकते हैं। तो इसलिए मायूसी किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए इंसान को, ये गुनाह है, इसलिए गुनाह है। बिल्कुल, हमारे मजहब में तो इसका इलाज है, बाकायदा इलाज है। सही, डिप्रेशन, टेंशन, समझे, इन सब चीज़ों का इलाज है। और उसका इलाज क्या है? इलाज वो ये सब्र है, यकीन है, भरोसा है, एतमाद करें आप, मुस्लिम सोच रखें अपनी, समझे। अगर इन बीमारी में किसी में मुबतला हो भी जाए अगर, तो अल्लाह पर यकीन रख के इलाज करें। सही सही सही, बिल्कुल, कराने के लिए जद्दोजहद करें। सही, समझे, कुछ मालूम हासिल करें, जी, यकीन करें। सही, अब ये है कि अभी स्वस्थ तो कराची का जो टेंशन, कराची पूरे पाकिस्तान में, कराची में खास तौर पे आदमी हर रोज जो है ना टेंशन में, डिप्रेशन में, डिप्रेशन बन जाता है उसका, सही, डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है, बिल्कुल, समझे। वो फिर नींद की दवाइयां भी खा रहे हैं, गोलियां भी खा रहे हैं, समझे, उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, सर्दी का मौसम है तो सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। सही, उनके बर्दाश्त की कुव्वत ही जो है ना वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल, वॉच मी ऑन हैक टीवी इन हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम एवरी मॉर्निंग एट 8 AM एंड रिपीट एट 11 PM बुध और हफ्ते को रात 1 बजे और बाकी दिनों में रात 11 बजे रिपीट होंगे। कराची, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हमसे राबिता करें। और कुदरती तरीके से अपना इलाज करें जिसके कोई मुजिर असरात नहीं है। बाय वर मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी समदा एंड वर मोस्ट सक्सेसिव फार्मूला HMN। अल्लाह ताला ने ऐसे जस्मानी और नफसियाती
बीमारियों का इलाज किए और ऐसे मसाइल का हल किए जो दुनिया हैरान है। मेरे तजर्बात, तहकीकात और तहरीरों से भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं। डिप्रेशन का जदीद तरीके इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी, मावराए उलूम का खुलासा और अमल, शिफाए तवानाई की पोशीदा दुनिया और जिल्द साइंसेस। फाइंड मी ऑन गूगल, यूट्यूब एंड फेसबुक। कॉन्टेक्ट अस एंड विजिट समदा हीलिंग.com।